नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। तेरा तो घना है, लेकिन इन सब के बीच टिमटिमाते तारे की तरह कोई चमक जाता है तो अच्छा लगता है। आज शुरुआत दरअसल उस रोशनी से कर रहे हैं जो उम्र के उस दहलीज पे है जहां से वो हिंदुस्तान को संवार सकेगा मुश्किल है, लेकिन इन विधायक रह के वो किस अंदाज में प्रचार करते हैं, क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के, सुन लीजिए जरा। 3 बार आप विधायक रहे, चौथी बार चुनाव, पांचवी बार चुनाव लड़ रहे हैं। जो माहौल दिख रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, खूब पैसा लोग खर्च करते हैं, आप कैसे लड़ते हैं इस माहौल में चुनाव? देखिए, ऐसा है, सफर तो साथ है, मंजिल अलग अलग है, मगर है? आपने अगर विधायक रहे हैं और आपने अपने क्षेत्र और क्षेत्र के जनता की सेवा की भावना रखी है और 5 साल आप मरे हैं एक एक गाँव में, तो फिर आपको गाड़ी की कोई मेरे ख्याल में ज़रूरत ही नहीं। ये मुलायम सिंह अकेले जानते हैं। मुलायम सिंह ने जब 2002 में वो मुख्यमंत्री हुए थे तो मुझे उन्होंने बुलाया था, तो मैंने उनसे कहा कि नेताजी, मैं MLA हुआ हूँ, वोट मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों ने दिया है, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है, और मंत्री बन के मैं उनसे दूर हो जाऊंगा ये मुझे पसंद नहीं। जी, ये सोच जरूरी थी पता नहीं आजमगढ़ के निजामाबाद के ये विधायक हैं, लेकिन बहरहाल उस समाजवादी पार्टी के भीतर का समाजवाद क्या है आप जानते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, एक दौर में इमरजेंसी में भी इंदिरा गांधी समाजवाद का जिक्र किया करती थी, और मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि आप दाएं जा रहे हैं तो बाएं मुड़ना गलत है। आइए रिपोर्ट दिखलाते हैं, आप समझ जाइएगा 40 बरस में क्या कुछ बदल गया। जनता को अपनी बात बिना डर और खुलकर कहनी होगी कि वो लोकतंत्र के साथ है या तानाशाही के। चुनाव तो एक आयाम है, जनता का संघर्ष तो महंगाई, करप्शन और तानाशाही की हवा के खिलाफ है। इमरजेंसी इसलिए लगाई गई क्योंकि छात्र कक्षा अटेंड नहीं कर रहे थे, मजदूर काम नहीं कर रहे थे, पुलिस और सेना प्रशासनिक आदेश नहीं मान रहे थे, विरोधियों का समाजवाद में भरोसा नहीं है, हमने देश को अराजकता से बचाया। तो आज ही के दिन, लेकिन ठीक 40 बरस पहले इमरजेंसी को लेकर जो इंदिरा गांधी की सोच थी और इमरजेंसी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलन छेड़ने वाले JP जो कह रहे थे, उसमें तय जनता को ही करना था, क्योंकि चुनाव की मुनादी हो चुकी थी और JP का रिकॉर्डेड भाषण चंडीगढ़ की चुनावी रैली के लिए सुनाया गया और इंदिरा गांधी फूलपुर में चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी। लेकिन ये नजारा आज का है, छात्र सड़क पर उतरे, संघर्ष सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि छात्र संगठनों का आपस में है। लेकिन संघर्ष सत्ता की विचारधारा को सहेजे BJP के छात्र संगठन और सत्ता के नजरिए का विरोध करते हुए वाम छात्र संगठनों का है और सवाल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिभाषा का है। तो सियासत 40 बरस पुराने इमरजेंसी की यादों तले सियासी विसार बिछाने से चूक भी नहीं रही। तो क्या 40 बरस पहले जिस तरह इमरजेंसी के बाद के चुनाव में इमरजेंसी की परिभाषा अपने अपने तरीके से JP और इंदिरा गांधी गढ़ रहे थे, ठीक उसी तर्ज पर मौजूदा सियासत भी छात्रों के संघर्ष को सियासी बिसात पर गढ़ रही है? क्योंकि जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं, मौजूदा हालातों में जो सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल ना तो 40 बरस पहले थे और ना ही किसी छात्र की उम्र आज की तारीख में 40 वर्ष की हुई। वो JNU से, जामिया से, अंबेडकर यूनिवर्सिटी से यहाँ पर इकट्ठे ही इसीलिए हुए थे क्योंकि वो DU का को बदनाम करना चाहते थे। ठीक है, आपको हो सकता है कि मेरे खिलाफ कोई आप समझते हो या आपको मेरा कार्यक्रम पसंद ना हो, आपको मेरा गेस्ट पसंद ना हो, लेकिन अपने विरोध को दर्ज कराने का भी कोई तरीका है। यानी इमरजेंसी के बाद पैदा हुई पीढ़ी के सामने क्या मौजूदा वक्त में चुनाव के दौर ही है और चुनाव के दौर की जरूरत ही अब छात्र संघर्ष के जरिए उठते सवालों के आईने में सबसे धारदार हो चले हैं?
क्योंकि राजनीतिक चुनाव अपनी धार खो रहे हैं। जनता से सरोकार नेताओं के बच नहीं रहे, लेकिन देश में सबसे बड़ा वोट बैंक छात्र ही है। आलम यह है कि 42 करोड़ वोटर 18 से 35 बरस के बीच का है। 9 करोड़ युवा वोटर कॉलेज में है। 12 करोड़ युवा रजिस्टर्ड बेरोजगार है। यानी छात्रों की ताकत देश की सियासत को पलटने की ताकत रखती है, लेकिन सियासत सियासी हिसाब बुनने में माहिर है। तो फिर छात्र संघर्ष को ही बांटा जा रहा है और इस या उस पार का नजरिया ही नेता बदल रहे हैं। यानी सियासी टकराव की बिसात पर कोई ये बोलने को तैयार नहीं कि आखिर पुलिस प्रशासन, कानून या कहीं अदालत देशद्रोह या देशभक्ति की व्याख्या क्यों नहीं कर रहे, और अगर देश में व्याख्या है तो फिर खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। और जो सवाल छात्रों के हैं, जो सवाल किसानों के हैं, जो सवाल देश की बहुसंख्यक जनता के हैं, उनसे सत्ता भाग क्यों रही है, और छात्रों के नाम पर सारी सियासत सड़क पर ही क्यों हो रही है। जाहिर है ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब कैसे निकलेगा ये फिलहाल दूर की गोटी लगता है। याद कीजिए 1925, उसी वक्त आरएसएस बना, उसी बरस सीपीआई का गठन हुआ। दोनों जिस दिशा में बढ़े उसमें स्थिति यह भी आई कि शायद लगा दोनों को संविधान पे भरोसा नहीं है। ये बात बकायदा गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है। लेकिन मसला ये नहीं कि आप दबदाए जा रहे हैं तो बाएं मुड़ना मुश्किल है। मुश्किल ये है कि आने वाले वक्त में कौन सी दुनिया किसके लिए छोड़कर कौन जाएगा, और उन बच्चों का क्या होगा जो भविष्य देखने की तैयारी कर रहे हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तो यही वो छात्र हैं जिनमें से कई आने वाले वक्त में देश की राजनीति करते नजर भी आ सकते हैं। कोई आईसा, कोई एवीवीपी, कोई एनएसयूआई, और इससे निकलकर कांग्रेस, बीजेपी या वाम राजनीति करते करते हो सकता है कोई संसद में भी नजर आए। ठीक वैसे ही जैसे जेपी आंदोलन से निकले राजनेता ही आज केंद्र से लेकर कई राज्यों में बैठे हैं, और इनके सामने इमरजेंसी की यादें हैं। तब जेपी का साथ था और इंदिरा गांधी के खिलाफ संघर्ष था। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, मौजूदा छात्रों के लिए चेहरे छात्र संघर्ष के प्रतीक हो सकते हैं। और अभी जो छात्र संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं वह स्कूलों में पढ़ाई कर कॉलेज पहुंचने वाली पीढ़ी के लिए क्या राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं? तो देश सियासी तौर पर किन हाथों में कल होगा, उससे पहले जरा ये समझ ले कि मौजूदा वक्त में सियासत के लिए ही कैसे शिक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और शिक्षा की तरफ ध्यान दिया भी नहीं जा रहा। मसलन राजस्थान सरकार किताबों में हल्दीघाटी की लड़ाई का विजेता महाराणा प्रताप को बताने पर आमदा है, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने सातवीं क्लास की किताब का नाम राम धेनु से हटाकर रंगो धेनु करवा दिया। यानी सेकुलरवाद की मानसिकता तले अब राम का धनुष नहीं इंद्रधनुष नाम होगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने तो स्कूली बच्चों की किताब में प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी का चैप्टर ही जोड़ दिया। तो क्या शिक्षा तले इतिहास बनाने की जगह इतिहास बदलने की सोच हावी हो चली है? लेकिन इससे इतर याद कीजिए किस तरह शिक्षा दी जा रही है और शिक्षक खुद कितना जानते हैं। यह रिपोर्ट तो हमने बार बार दिखाई है। मसलन बिहार में एजुकेशन सिस्टम से निकला बोर्ड का टॉपर ऐसा कि जिस विषय में टॉपर है उस विषय का नाम ही नहीं बोल पाता। और देश में ऐसे टीचर हो सकते हैं जिन्हें ABCD भी ढंग से पता ना हो, और ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनके लिए नकल है तो जान है का मुहावरा गढ़ा जा सकता है। लेकिन सवाल चंद तस्वीरों का नहीं बल्कि उस ढहते एजुकेशन सिस्टम का है जिसका राजनीतिक सत्ता अपने लिए इस्तेमाल करती है, मुनाफा भी कमाती है, और बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि ना तो बुनियादी ढांचा, ना पढ़ाने की इच्छा शक्ति। मसलन गोपालगंज के स्कूल को देख लीजिए जहाँ बच्चों को जान हथेली पर रखकर स्कूल जाना पड़ता है। कुचायकोट प्रखंड का ये स्कूल अभी कुछ बरस पहले बना है, लेकिन ऐसी जगह बना है जहां जाने का रास्ता ही नहीं। रेलवे लाइन धोकर आते हैं, आते कोई करी आते हैं, ट्रेन कब आ जाए कब ना आ जाए, मेरे को डर भी रहता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बारिश के दिनों में होती है, जब कमर से ऊपर तक यहाँ तक हम लोग पानी पार करके और फिर विद्यालय में आना पड़ता है हम लोग को। हो सकता है ऐसी तस्वीरें लाखों गाँव में देखी जा सकती हो, और देश में प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा की उपेक्षा का आलम यह हो चला है
कि तीसरी कक्षा के 75% बच्चे, पांचवी कक्षा के 50% बच्चे और आठवीं के 25% बच्चे दूसरी क्लास की किताबों को पढ़ ही नहीं पाते। और ज्यादा दूर क्या जाइएगा, दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर ही एक सर्वे हुआ, उसमें निकल कर आया कि छठी क्लास के 74% बच्चे ठीक से हिंदी नहीं पढ़ सकते। तो जिस राजनीतिक सत्ता को बदहाल शिक्षा को सुधारना चाहिए, उसके एजेंडे में क्या है, ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि उनके लिए 17,000 से ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर आदर्श है और किसी के लिए 35,000 से ज्यादा मदरसों की शिक्षा का आधुनिकरण हो जाए, यही महत्वपूर्ण है। सरकारी जमीन में स्कूल भी है, मदरसा भी है, उसका जमीन बिल्कुल खाली है। इसमें प्राथमिक विद्यालय और मदरसा दोनों के बच्चे पढ़ते हैं एक साथ। यानी बदलते देश में शिक्षा है कहाँ और दुनिया के सामने भारत की शिक्षा कहाँ टिकेगी, इस हकीकत को और भी जाना जा सकता है, ये जानते हुए कि 60% छात्र उच्च शिक्षा के लिए देश के बाहर चले जाते हैं और 89% भारत में उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। और जिन 11% हिस्सों में भारत में शिक्षा की व्यवस्था है, वहाँ पर एक नाम दिल्ली का भी है और वहाँ छात्र विचारों की स्वतंत्रता के पैमाने को मापने के लिए ही अभी संघर्ष करते हुए जूझ रहे हैं। तो सड़क की तरफ उंगली उठाइएगा तो वाकई बाएं चलना क्या मुश्किल हो चला है, लेकिन मुश्किल ये नहीं है। बाएं का मतलब तो हिंदुस्तान में वामपंथी राजनीति थी जो कि खेत खलियान और मजदूरों का जिक्र करती थी, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां हैं, शहर आते आते गांव के बच्चे ही, किसानों के बेटे ही उस सियासत के चक्रव्यूह में क्यों फंस जाते हैं जो सियासत सिर्फ सत्ता के लिए ताना बाना बुनती है। जरा इस रिपोर्ट को भी देखिए। किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, तो देश का हर आला राजनेता जिस दौर में गरीब किसानों और किसानी का राग लगातार अलाप रहा है, उस दौर में 8,007 किसानों ने खुदकुशी कर ली और इनमें से 3,097 किसानों ने कर्ज और दिवालिया होने के चलते मौत को गले लगाया। और ये आंकड़ा खुद मोदी सरकार ने संसद में 3 फरवरी को रखा था, लेकिन इधर केंद्र सरकार और उधर खुद को किसान पुत्र कहने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कभी नहीं माना कि मध्य प्रदेश में किसान खुदकुशी भी करते हैं और वह भी कर्ज के चलते, लेकिन सोमवार को वहां भी विधानसभा में जब कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने सवाल रखा तो पहली बार लिखित जवाब मध्य प्रदेश सरकार ने दिया और शिवराज सरकार ने मान लिया कि 106 किसानों ने खुदकुशी की और 181 कृषि मजदूरों ने मौत को गले लगाया और उनमें से एक किसान ऐसा भी जिसने फसल खराब होने पर कर्ज ना चुका पाने के चलते खुदकुशी की। तो मध्य प्रदेश सरकार का ये कबूलनामा इसलिए अहम है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री संतरी कभी ये कहते ही नहीं दिखे कि मध्य प्रदेश में फसल बर्बादी से कोई किसान खुदकुशी कर सकता है। मसलन 2014 में जब किसानों की खुदकुशी का मामला तूल पकड़ रहा था तो उस वक्त मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने क्या कहा, इसे भी आप सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के किसी किसान ने माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार के कार्यकाल में आत्महत्या नहीं की। और कमोवेश यही बात हर वक्त कही गई, जबकि राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि बीते 6 बरस में मध्य प्रदेश में 6,594 किसानों ने खुदकुशी की और इसमें 80% किसानों ने खुदकुशी इसलिए की क्योंकि वह साहूकारों से लिया कर्ज वापस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सवाल यहां सिर्फ किसानों का नहीं या 2014-15 का नहीं, सवाल तो आज का है। और आज जब सड़क पर छात्रों को अभिव्यक्ति के सवाल से जूझते हुए कोई भी देखता है तो ये सवाल किसी के भी जहन में आ सकता है कि आखिर ये छात्र भी शहरों में निकलकर कहां से आए। तो जरा इस सच को भी समझ लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 2.5 लाख छात्रों में से आधे छात्र किसान परिवार से ही आते हैं और जेएनयू के 8,000 छात्रों में से 3,000 छात्र किसान परिवार से ही आते हैं। और किसान परिवारों से आने के बावजूद वह कौन से हालात हैं जहां किसानी के मुद्दे छात्रों को परेशान नहीं करते और शिक्षा का राजनीतिकरण अभिव्यक्ति के सवाल से होते हुए देशभक्ति या देशद्रोह में इस कदर खो जाता है कि हर घंटे किसान की मौत सवाल बनकर छात्रों को परेशान नहीं करती, खुदकुशी की बड़ी वजह वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेकर उसके चंगुल में फंसना होता है, लेकिन इस इकोनॉमी को लेकर छात्र कभी संघर्ष करते हुए सड़क पे क्यों नजर नहीं आते।
तो क्या ये मान लिया जाए कि छात्र भी अब सियासी दलों के छात्र संगठन से जुड़कर उसी सियासी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जहां कानून व्यवस्था का मामला भी छात्र सियासी प्यादा बनकर मुद्दों के आसरे सड़क पर संघर्ष करते हुए इसलिए नजर आते हैं क्योंकि आने वाले वक्त में यही राजनीति का रास्ता है जो गद्दी तक पहुंचाएगा, या फिर मौजूदा वक्त में ये शिक्षा का दिवालियापन है। हो जो भी, लेकिन एक तरफ छात्र और दूसरी तरफ किसान, दोनों को एक साथ देखिए और समझिए। तो यहां बाएं मुड़ना मुश्किल है और अमेरिका में डेमोक्रेट्स की तरफ देखना मुश्किल है। बहुत मुमकिन है 2.5 महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मई में मुलाकात हो, तो एक दूसरे से कौन क्या कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी भारतीय इंजीनियर की हत्या या नस्लभेदी हिंसा का सवाल उठाएंगे और अमेरिका को कटघरे में खड़ा करेंगे? क्या ट्रंप ओबामा के भारत में बढ़ती असहिष्णुता के सवाल को दोबारा उठा देंगे, या फिर दोनों देश शिक्षा प्रोफेशनल्स पर कोई सहमति बना लेंगे? यह संभव है या नहीं, इसका जवाब तो कल से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि विदेश सचिव एस जयशंकर जब कल से अपनी 4 दिनों की यात्रा के दौरान अमेरिकी राजनेताओं और अधिकारियों से मुलाकात शुरू करेंगे, तो केंद्र में वो कौन मुद्दे होंगे जो अभी तक मुख्यधारा से ही लापता थे, इस पर ध्यान हर किसी का होगा। मसलन कंसास में भारतीय इंजीनियर की हत्या पर हिलरी क्लिंटन तक ने ट्रंप से जवाब मांगा है। H1B मुद्दे को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी डेलीगेशन के सामने चिंता जताई, लेकिन ट्रंप अमेरिका में अड़े हुए हैं। भारतीय प्रवासियों के अमेरिका में कामकाज का सवाल बीते 2 दशक में कभी अहम नहीं हुआ, लेकिन इस बार सबसे अहम हो गया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका में मारे गए इंजीनियर का शव जब हैदराबाद पहुंचा तो मोदी सरकार को कहना पड़ा कि आप शांत रहें, यानी कहीं ना कहीं भीतर आग तो सुलग रही है। I spoke to all concerned people, including Honorable External Affairs Minister. They are raising this issue in an appropriate way. और इधर भारत में 2 बरस के दौर में GNU DU समेत दर्जन भर यूनिवर्सिटी में से जिस तरह छात्र संघर्ष करते हुए सड़क पर निकले, उसने ये सवाल तो आने वाले वक्त के लिए खड़ा कर ही दिया है। क्या शिक्षा के लिए वातावरण देश में बच नहीं रहा? क्या प्रोफेशनल्स तक के लिए देश में जगह नहीं है? ये ऐसे सवाल है जिन सवालों का जवाब के अंतर्राष्ट्रीय तौर पर टटोला जाएगा और उसमें एक दूसरे को काउंटर करने की स्थिति आ जाएगी। बहुत तेरे सवाल हैं, लेकिन चलते चलते गीत सुनाते हैं। ये फिल्म दरअसल छात्रों को लेकर ही बनी।